रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों, एज नंबर 26। चलो नाम बोलो। इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, अदृश्य असेट्स, ऐसे असेट्स जिनको अपन देख नहीं सकते, जिनको अपन छू नहीं सकते, लेकिन है तो वो अपने असेट्स, ठीक है। तो ऐसे इनटेंजिबल असेट्स का रिविजन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एस में कुछ एक्सक्लूजन दे दिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस एस से एक्सक्लूड कर दिए गए क्योंकि ये चीजें किसी और एस में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे एस टू में अगर कोई इंटेंजिबल एसेट तुमने बेचने के लिए रखा हो तो वो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, लीज, गुडविल जो आ रहा है अमलगमेशन पे, क्योंकि उसके लिए अलग एस है, एस 24, फाइनेंशियल एसेट्स, मिनरल एसेट्स, फिर इंश्योरेंस वगैरह के एसेट्स, या फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स, मतलब रिटायरमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो तो वो इस एस में कवर्ड नहीं है क्योंकि इन चीज़ों के लिए दूसरे एस है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, इनटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन। इनटेंजिबल एसेट का अगर अपन डेफिनेशन देखेंगे तो इसके डेफिनेशन में चार चीजें आती, ठीक है, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनटेंजिबल एसेट के डेफिनेशन में। बोलो चार चीजें क्या है, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट कब कहलाएगा, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इसीलिए एसेट तो मानेंगे पर वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि तुम बता पाओगे कि हाँ ये मेरा ये एसेट है, जैसे मेरा पेटेंट है तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है, ऐसे आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ये पहली चीज। अच्छा आइडेंटिफाइबल कब माना जाएगा, ये अपन ने नीचे लिखा हुआ था, आइडेंटिफाइबल कब मानेंगे, जब तुम इसको गुडविल से अलग बता पाओ, क्योंकि गुडविल एक जनरल इंटेंजिबल एसेट है, मतलब बाकी सारी अच्छी चीजें गुडविल में समा जाती है, तो गुडविल से दूसरा, गुडविल से अलग अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उसको आइडेंटिफाइबल बोलेंगे। अच्छा आइडेंटिफाइबल बनने के लिए उसको सेपरेबल होना जरूरी है, सेपरेबल मतलब उसको तुम मे भी अलग से रेंट कर सकते हो, बेच सकते हो, या उसके कैश फ्लोज अलग है, वो एसेट की वजह से कुछ अलग फायदा हो रहा है, ये तुम बता सकते हो, तो उस एसेट को सेपरेबल बोलेंगे, ठीक है। तो तब इस एसेट को आइडेंटिफाइबल मानेंगे, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरा बोला है नॉन मॉनिटरी एसेट। अभी नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है, ये एस 11 में था, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, उससे यहाँ पे कवर किया गया है। मॉनिटरी मतलब अगर फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल या रिसीवेबल हो उसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरी आइटम या मॉनिटरी एसेट। जैसे डेटर्स फिक्स्ड अमाउंट में रिसीवेबल है, जैसे क्रेडिटर्स फिक्स्ड अमाउंट में पेएबल है, तो ये मॉनिटरी है। इनके अलावा जो होते हैं इसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी, क्योंकि एसेट्स तो नॉन मॉनिटरी एसेट नॉन मॉनिटरी क्यों होता है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट में किसी को पेएबल या रिसीवेबल नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज बोली इसमें विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए इंटेंजिबल है ना, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और लास्ट तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में यूज हो रहा है तो भले ही कोई भी पर्पस के लिए यूज करो, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, रेंटल के लिए, एडमिन पर्पस के लिए, बिजनेस में यूज होना चाहिए, तब जाके इसको इंटेंजिबल एसेट अपन बोलेंगे, ठीक है। चलो समझ गया इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट है तो उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूं क्या, कब बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, जब और दो चीजें वो सेटिस्फाई करता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के दो क्राइटेरिया है दोस्तों, बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करूंगा, जब प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तुमको मिले, FEB, करेक्ट। क्योंकि एसेट एसेट क्यों होता है दोस्तों, फ्यूचर में इससे क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, तो अगर बेनिफिट होगा तो इसको तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, FEB होना चाहिए। और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं बता पाओगे तो बुक्स में किस पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो दो चीज होनी चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए, FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। ये चीज थी इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट था इस पेज पे। आगे बढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट को किस पर रिकॉर्ड करोगे, तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। तो अभी डिपेंड करता है तुमने इंटेंजिबल एसेट कैसे अक्वायर किया है। तुमने अगर इंटेंजिबल एसेट खरीदा हो तो उसको परचेस प्राइस पे दिखा देना, इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह जो भी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस कर देना परचेस किया हो तो। या तो अगर अमलगमेशन के थ्रू खरीदा है, जैसे अमलगमेशन किसी कंपनी को खरीदा उसके वजह से गुडविल आ गया, तो ये एज 14 में कवर्ड है, एज 14 ने बोला हुआ है कि गुडविल वगैरह रिकॉग्नाइज करना ऐसे। फिर अगर गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू मिला है,
मतलब गवर्नमेंट ने तुमको फ्री में दे दिया इंटेंजिबल एसेट, तो फ्री में दे दिया तो क्या करोगे, नॉमिनल वैल्यू पे बुक्स में दिखा देंगे, मतलब एक छोटी सी अमाउंट, एक रुपए, दो रुपए, दस रुपए, ऐसे कुछ पे इंटेंजिबल एसेट दिखा देना बुक्स में। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कंसेशनल रेट पे दिया हो, मतलब सस्ते भाव में दिया है, तो जिस भी रेट में दिया है उस रेट पे अपन इंटेंजिबल एसेट को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अगला बोला है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ असेट्स। मैंने क्या किया, मेरे पास एक पेटेंट था, इसके पास एक पेटेंट है, मैंने बोला मेरा पेटेंट ले ले, तेरा पेटेंट दे दे, एक्सचेंज किए, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज में करता हूं तो मेरे लिए सोचना, अभी मेरे लिए वो पेटेंट की कॉस्ट क्या है, जो मैंने दिया, मैंने क्या दिया, मेरा पेटेंट, तो मेरे पेटेंट की अगर फेयर वैल्यू मालूम है तो मेरे लिए वो कॉस्ट बन गई, ठीक है। मतलब जो मैं बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा उसका वाला पेटेंट, वो किस पर रिकॉर्ड करूंगा, मेरे पेटेंट की जो फेयर वैल्यू थी, क्योंकि मैंने वो दिया है ना बदले में, ठीक है। अगर मेरे इसकी फेयर वैल्यू नहीं मालूम तो क्या करूंगा, उसके इसकी फेयर वैल्यू, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं मालूम तो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, ठीक है। देखो इधर वही बोला है कि कितने पे रिकॉर्ड करोगे एक्सचेंज को, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो दिया है उसके फेयर वैल्यू पे, क्योंकि मैंने जो दिया है वही मेरे लिए कॉस्ट है, तो जो दिया है उसके फेयर वैल्यू पे मैं रिकॉर्ड करूंगा जो एसेट मिला है उसको, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, विच एवर इज मोर एविडेंट, अच्छा मतलब इसके फेयर वैल्यू अगर एविडेंट है तो जो मिला है उसको फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अनलेस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब मैंने जो एक्सचेंज किया ये कुछ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव से किया ही नहीं है, मेरा कमर्शियल मोटिव था ही नहीं, मैंने कोई दूसरे रीजन की वजह से किया हो, जिस जो रीजन कुछ बेनिफिशियल नहीं है, कुछ कमर्शियली फीजेबल ही नहीं है। तो अगर ऐसे रीजन से किया हो तो एसेट को बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना अलाउड है। और अगर किसी का भी फेयर वैल्यू नहीं बता पा रहे हो तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो तुम्हें किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे। मतलब मेरे बुक्स में जितने पे रिकॉर्डेड था वो पेटेंट उतने पे ही नया पेटेंट दिखा दूंगा, ठीक है। ये एक्सचेंज के बारे में बोला था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये पार्ट, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल असेट। अगर तुम कोई असेट इंटरनली जनरेट करते हो, ठीक है, खुद से बनाया है, खुद के दम पे, तो क्या करोगे, तो इंटरनली जनरेटेड में बोला है गुडविल, ब्रांड, मास्टर्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, मतलब जो अभी न्यूज़पेपर के टाइटल्स वगैरह होते हैं ये सब उनके इंटेंजिबल एसेट है, उनका लिखने का तरीका, कस्टमर लिस्ट, जैसे अमेजोन के पास बहुत बड़ा कस्टमर डेटा है तो वो भी उनका इंटेंजिबल एसेट है। तो अगर ये इंटरनली जनरेटेड होगा तो इसको रिकॉर्ड करने देंगे क्या हम, नहीं। इंटेंजिबल एसेट क्या करना है फिर, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है कि इंटरनली जनरेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी है, वो निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो उससे अच्छा है इसने बोला रिकॉर्ड करो ही मत, ठीक है। दूसरा, लेकिन एक टाइप का इंटरनली जनरेटेड एसेट है जिसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एसेट, ठीक है। तो अभी देखो इस एस ने क्या किया, बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाया। अपन जनरली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ बोलते हैं, लेकिन इस एस ने क्या किया, रिसर्च फेज को अलग किया और डेवलपमेंट फेज को अलग किया। एस ने बोला कि भाई जब रिसर्च फेज चालू रहता है तो तुम्हें मालूम ही नहीं होता है तुम क्या बना रहे हो, ठीक है, तुम बस कुछ ना कुछ ट्रायल एरर, कुछ ना कुछ फॉर्मूला इधर उधर करने का ट्राई करते हो ताकि कुछ नॉलेज मिले और उसके बेसिस पे तुम प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करते हो। तो इसीलिए जब रिसर्च फेज चालू होता है तुम्हें मालूम ही नहीं तुम कौन सा एसेट बना रहे हो, तो रिसर्च फेज के खर्चे को हम रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे एज इनटेंजिबल एसेट। रिसर्च फेज के खर्चे को तुम्हें PNL में ही डालना पड़ेगा, ठीक है, ये पहली चीज बोली थी। और डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा करोगे, डेवलपमेंट मतलब जो नॉलेज मिला है रिसर्च फेज से, तो रिसर्च फेज पे तुम वर्क कर रहे हो, उसके नॉलेज पे जो भी नॉलेज मिला उसको अप्लाई कर रहे हो ताकि तुम एक प्रोडक्ट बना पाओ। तो डेवलपमेंट फेज में तुम्हें मालूम है तुम क्या बना रहे हो, कौन सा एसेट बना रहे हो, तो डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा होगा उसको रिकॉग्नाइज करने दोगे क्या, हाँ, उसको एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कौन सा पैरा बोला है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए बोला है पैरा 41 और डेवलपमेंट के लिए बोला है पैरा 44, ठीक है, ये दोनों अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखो रिसर्च फेज, रिसर्च फेज में क्या बोला हुआ है, ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बोल्ड करके मार्क भी कराया था, नो इंटेंजिबल एसेट, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। पहले लाइन में बोला है कि इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे रिसर्च फेज वाला, ठीक है। दूसरे लाइन में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड।
ठीक है, ये रिसर्च फेज का था, इसमें बोला है कि इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, जब भी खर्चा होगा तब उसको पीएनएल में डाल देना। अच्छा इसके बाद बोला है, अच्छा और एक लाइन बोली थी, एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ इट कैन नॉट बी लेटर ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट, मतलब तुमने रिसर्च फेज मान के उसको खर्चा बुक कर दिया और मेरे को बाद में पता चला, नहीं तभी तो डेवलपमेंट ही चालू था, लेकिन एक बार राइट ऑफ कर दिया तो कर दिया, फिर से ऐसे नहीं बोल सकते कि वो गलती से राइट ऑफ किया था। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बोली थी डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज के लिए बोला गया दोस्तों, डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा हो रहा है इसको तुम इनटेंजिबल एसेट मान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ ये छह कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये अगर छह कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो डेवलपमेंट फेज में होने वाले खर्चे को तुम इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। छह कंडीशन कौन से, देखो बहुत लॉजिकल है, टेक्निकल फीजिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, मतलब टेक्निकली पॉसिबल हो तुम्हें कि तुम ये इसको पूरा करो। फिर इंटेंशन होना चाहिए, मतलब ये जो भी रिसर्च से पता चला है इंटेंशन होना चाहिए कि तुम इस पे काम करो और आगे जाके प्रोडक्ट बनाओ, तो इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा अबिलिटी होनी चाहिए, वो अबिलिटी है तभी जाके बना पाओगे, तो टेक्निकल फीजिबिलिटी होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, अबिलिटी होनी चाहिए तुम में। फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो एसेट से, फिर कॉस्ट मेजर कर सकते हो उसका रिलायबली, और रिसोर्सेस भी तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तुम्हारे पास, कैपेबिलिटी है, तो तुम इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो डेवलपमेंट फेज वाला। ठीक है, तो ये छह कंडीशन बोली गई, अगर डेवलपमेंट फेज में हो तो तुम इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन, अबिलिटी, फिर रिसोर्सेस, एफईबी और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये चीजें हैं तो तुम इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर लो। अच्छा तो अगर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना है तो उसके कॉस्ट में क्या आएगा, जो भी तुम्हें मटेरियल लगा है, जो भी वेजेस लगा है, जो भी ओवरहेड्स लगे हैं, ये सारे उसके कॉस्ट में आ जाएंगे। उसके कॉस्ट में क्या मत लेना, उसको बेचने वाले खर्चे, प्रोडक्ट बनने के बाद वाले खर्चे, जैसे सेलिंग एंड एडमिन खर्चे, फिर उसको बनाने के बाद कुछ लॉसेस हो रहे तो वो उसके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, स्टाफ को ट्रेन करने का खर्चा ये एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो एसेट बनने के बाद के खर्चे है ये एसेट के कॉस्ट में नहीं आएंगे। यस, ये इसने और एक इंपॉर्टेंट चीज बोली हुई दोस्तों, एक जनरल चीज बोली है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। क्या बोला है इसमें, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। देखो ए इसने क्लियरली बोल दिया है कि इंटेंजिबल एसेट पे जब भी कोई खर्चा होता है उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करना, अनलेस अगर वो इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा हो जो अपन ने अब तक पढ़ा है, अगर वो फुलफिल कर रहा हो तो एसेट दिखाना, या तो वो आइटम खरीदा, वो क्या है जो अमालगमेशन में खरीदा हुआ गुडविल है, तो अगर एसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है जो अपन ने अब तक पढ़ा है वो सेटिस्फाई करता है, या गुडविल है जो अमालगमेशन में खरीदा है, ये होगा तो ही इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करने देंगे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, खर्चा बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी खर्चा लगा है उसको सीधा एक्सपेंस आउट कर देना। यहाँ पे एएस ने कुछ एग्जांपल दिए है कि इनको तुम्हें एक्सपेंस ही मानना पड़ेगा जब इनकर हो, जैसे स्टार्टअप एक्टिविटीज में कुछ खर्चा हुआ है, एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्चा हुआ है, उसको तुम्हें एक्सपेंस आउट ही करना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में कभी कभी लगता है अपने को कि फायदा होगा आगे जाके, एसेट है अपना, लेकिन नहीं, एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा हो रहा है इसको क्या करोगे, एक्सपेंस आउट ही करोगे हमेशा। ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह, रिलोकेटिंग एक्टिविटीज, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कुछ भी हो रहा है अगर सेटिस्फाई कर रहा हो एसेट की डेफिनेशन तो उसको एसेट में ऐड कर देंगे, पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो ब्रांड गुडविल वगैरह इन सब पे है तो इसका सब्सिक्वेंट कुछ खर्चा लग रहा हो इस पे तो वो कैपिटलाइज नहीं मत करना, इनके कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए ब्रांड गुडविल वगैरह में। ठीक है, अच्छा इंटेंजिबल एसेट को किस पे मेजर करोगे, तो कॉस्ट पे मेजर करना, अच्छा उसमें से लेस कर देना, क्या अमोर्टाइजेशन, जो में अमोर्टाइजेशन होगा उसमें से लेस कर देना। अभी अमोर्टाइजेशन क्या होता है, देखो उसके लिए चार चीजें बोली गई है, अमोर्टाइजेशन पीरियड, कितने टाइम में तुमको अमोर्टाइज करना है, तो अमोर्टाइजेशन पीरियड के लिए पहले बोला गया कि क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, अमोर्टाइजेशन पीरियड के लिए क्या बोला गया, सिस्टमैटिक बेसिस पे तुमको अमोर्टाइज करना है। और AS 26 ने एक प्रिजम्पशन ले लिया है, क्या प्रिजम्पशन लिया है, कि जो पीरियड है वो है 10 साल, हम मान लेंगे कि तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट का पीरियड कितना है, 10 साल का पीरियड है, ऐसे हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उससे कम होगा तो उससे कम भी ले सकते हो। अमोर्टाइजेशन मेथड,
तुम्हारा मेथड ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा कंजम्पशन पैटर्न रिफ्लेक्ट करे, मतलब तुम जैसे यूज कर रहे हो एसेट को वो बेसिस पे तुमको अमोर्टाइजेशन चार्ज करना पड़ेगा। अभी लास्ट दो चीजें दोस्तों, रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू के लिए क्या बोला गया कि इनटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू हमेशा क्या मानना, जीरो मानना, अनलेस किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी किया है कि भाई मैं खरीद लूंगा 10 साल बाद इतने रुपए में। तो अगर थर्ड पार्टी ने गारंटी किया है तो रेसिडुअल वैल्यू ले सकते हो, नहीं तो रेसिडुअल वैल्यू जीरो अज्यूम करना। या तो कोई एक्टिव मार्केट है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता है तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट का, और वो मार्केट तभी भी रहेगा 10 साल बाद ऐसे तुमको लग रहा है, तो मार्केट के रेफरेंस से आई हुई रेसिडुअल वैल्यू तुम ले सकते हो। ठीक है, तो रेसिडुअल वैल्यू हमेशा जीरो अज्यूम करना ऐसे बोला है, अनलेस किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी किया है या किसी मार्केट के रेफरेंस से तुम ले सकते हो। अच्छा, लास्ट में बोल दिया कि ये अमोर्टाइजेशन पीरियड वगैरह जो भी है ये तुमने एट द एंड क्या किया है, एस्टिमेट किया है, तो एस्टिमेट हो सकता है चेंज हो जाए, तो हर साल के एंड पे एस्टिमेट को क्या करना, चेक करना, रिव्यू करना। अगर एस्टिमेट चेंज हो गया तो एस्टिमेट को क्या कर देना, रिवाइज कर देना प्रोस्पेक्टिवली एज पर AS 5। ये लास्ट में बोला था दोस्तों, ये AS यहाँ पे खत्म होता है। AS में इंपॉर्टेंट है यही सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी थी, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, और इसमें कॉस्ट या अमोर्टाइजेशन के भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें तुम्हें अमोर्टाइजेशन निकालना होता है।